हेलो डॉक्टर स्पेक्ट्रा में हम आज मिस्टर एब्यूल का जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनका वीडियो शेयर करेंगे। उन्होंने हमारा सॉल्यूशन कोरियर के थ्रू लिया और थेरेपी से पहले उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट शुरू किया और देखा, बट वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, एनजाइटी में चले गए थे, स्ट्रेस रहने लगे थे, स्टडी पे फोकस नहीं करना, अपने काम पे फोकस नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, ये सब चीज़ें उन्हें होती थी। अब हमारा ट्रीटमेंट के बाद आप सुनिए कि उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ। प्लीज़ पूरा वीडियो सुनिएगा। हेलो, इस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम मुझे अगस्त में हुआ था, लगभग 5 महीना हो गया। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाता था और मुझे हियरिंग का भी थोड़ा दर्द था। उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ही कम हो गया। ठीक से सोने नहीं पाने के वजह से टेंशन के वजह क्या हो गया, आपका वेट कम हो गया, आपको नींद नहीं आती थी। ओके, और आपने इसके लिए जब ये प्रॉब्लम आपको शुरू हुई थी कौन से कान में हुई थी? पहले तो एक कान में हुई थी, राइट वाले कान में, फिर धीरे धीरे दोनों कान में होने लगी। और पहले तो आवाज ठीक था, उसके बाद थोड़ी देर कुछ दिन बाद आवाज बढ़ गया, साउंड बढ़ गया, साउंड बढ़ गया था आपका। और फिर आपने जैसे ही आवाज़ आपको आने लगी, शुरू होने लगी और बढ़ने लगी, तो आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे? कहाँ कहाँ दिखाया आपने? कहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ। कहाँ कहाँ दिखाया, कितने डॉक्टर्स को दिखाया होगा? पहले तो एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, उसके बाद मैंने सजेस्ट किया एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, उसके पास भी गया था। तो आपको अच्छा लगा? भैया तो हंस रहे थे, क्या है ये, जैसे क्या होगा। ओके, मैंने बोला, देखिए सब ऐसा लगा कि जब आपने डॉक्टर स्पेक्ट्रा का सर्च किया और वीडियो सुना तो आपके भैया हंस रहे थे कि इससे कैसे ठीक हो सकते हैं जब दवाइयों से ठीक नहीं हुए। लेकिन आपको आपको कैसे भरोसा आया? मैंने सोचा ये भी तो ट्राई किया, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो आपने हमारा ट्रीटमेंट कैसे लिया? आपको आना पड़ा या आपने कोरियर से मंगाया? मैंने कोरियर किया था, फोन करके मंगाया था। और आपको जब कोरियर मिला तब आप उसके बाद क्या प्रोसेस था? हमारे यहाँ से रेगुलर कॉल आता था आपकी सेटिंग। हाँ, तो हमने मुझे कॉल किया था और जो लेने को बोला था 20 मिनट, आपको 10 मिनट बोला था, लेने को बोला 10 मिनट तक। ओके, उसके बाद 20 मिनट दिया, उसके बाद फिर से मैंने 10 मिनट कर दिया जो कम हो गया था। तो आपको पहली थेरेपी में ही आराम लगने लगा था? अब आप सो पाते हो, काम कर पाते हो, क्या करते हो आप? तो हम काम करते हैं। ओके, सो राबियुल, आप जो हमें वीडियो फीडबैक दे रहे हैं, अभी आपको 1 महीना ही हुआ है, 1-1.5 महीने के आसपास हुआ है, और आप हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे यहाँ से रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है, तो आप क्या चाहते हैं उन लोगों को बताना जो लोगों को भरोसा नहीं होता कि ठीक हो जाता है टिनाइटिस? क्योंकि अभी तक लोग, काफ़ी लोग ऐसे फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि कैसे कह सकते हो कि टिनाइटिस ठीक हो सकता है, और क्योंकि गूगल पे तो बहुत नेगेटिव लिखा हुआ है। अब आपका वीडियो देख के, क्योंकि इतने वीडियोस हमारे डले हुए हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने भी किसी पे भरोसा करके लिया, अब आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है, आप मेडिसिन तो काफी ले चुके हैं, होते हैं पेशेंट्स, तो आप कुछ बताना चाहते हैं लोगों को? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एक बार किसी को ऊपर भरोसा तो करना चाहिए, ऐसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो जरूर होगा, एक बार तो विश्वास करना है। तो सर, हम आपका ये जो वीडियो है, क्या हम लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं? अच्छा, ओके
ओके सो राबियुल, आप मुझे मैं एक दो सवाल आपसे बंगाली में पूछूंगी, क्योंकि काफ़ी वेस्ट बंगाल और यहाँ पे लोग बंगाली ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझते, तो क्या आप हमें उनके जवाब दीजिए प्लीज़। मैं बंगाली में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उन्हें आप बंगाली में बताइए, ठीक है सर? आपसे पूछेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छे तो कतो साल दूर अच्छे তোমার যে প্রবলেম এটা কত সাল ধরে? 5 মাস থেকে। আর তুমি এই প্রবলেমটা চিনুক কোন 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 জায়গায় গেছো? আমি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট নিয়েছিলাম আর অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট নিয়েছিলাম। আর তোমার কোন কোন আওয়াজ আসতো যখন তোমার এই টিনাইটিস প্রবলেম হয়েছিল? বারুন কি কোন কোন আওয়াজ আসতো তোমাকে যখন তুমি এই ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিলে? আর যখন ডক্টর তুমি যখন এই প্রবলেমটা নিয়ে দুসরা ডক্টরের কাছে গেছিলে, ডক্টর কি তোমাকে কি সালাহ দিচ্ছিল কি কি করার জন্য? কি না কি তো তোমার লাইফস্টাইলে কি চেঞ্জ হয়েছে এই প্রবলেমের জন্য যখন তোমাকে এই প্রবলেম ছিল? লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়েছে, আগে থেকে বেশ ভালো লাগছে, কাজে মন লাগছে, খেতেও ভালো লাগছে। আর আমার যে টেনাইটিস রিলিফ আছে এটা তোমাকে কেমন করে পাতা চলছে? মানে তুমি কোনো ফ্রেন্ডের থেকে না তুমি অনলাইন? অনলাইনে তুমি খোঁজ করতে পেয়েছো? আচ্ছা, তো আমার ট্রিটমেন্ট তোমাকে কেমনি লাগলো? কি আমার যে ট্রিটমেন্ট আছে, যে আমরা ফোনে যে হার হাফতাতে আমরা ফোন করি যে ফিডব্যাক নিই, তোমাকে যেটা আমার সার্ভিস আছে ওটা তোমাকে ভালো লাগছে? তো আমার যে এই ভিডিও যে আমরা বানাইছি এটা আমরা কি ইউটিউবে ঢালতে পারি? যে আমি এই ভিডিও বানাইছি আমরা ইউটিউবে ঢালতে পারি? আর পেশেন্টে তুমি কি যেটা যে টেনাইটিসে যে পেশেন্টস আছে ওটা কি ওগুলো তুমি কি বলতে চাও কি এই ট্রিটমেন্ট কেমনি ঠিক হতে পারে কি না? কিছু মেলা পেশেন্ট হয় যে জানে না কি এটারও ইলাজ আছে, তো তুমি ওগুলো কি বলতে চাও? প্রথমত সবাই তো নেগেটিভই ভাবে যে ঠিক হবে কি হবে না, আমি বলবো একবার বিশ্বাস করে এটা নেওয়া উচিত আর সময় দেওয়া উচিত। ঠিক আছে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ রাবিউল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর ভিডিও। আর আপ হামারা আবি ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ রখেঙ্গে 6 মহিনে তক, আপকো ইয়ে খতম ভি হো জায়েগি তো ভি হামারি মনিটরিং চলেগি তাকি ফিউচার মে কবি ভি ইয়ে প্রবলেম ওয়াপস না হো। থ্যাংক ইউ রাবিউল, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওকে।